राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकार बिहार के निर्देशानुसार जिला विधिक सेवा प्राधिकार के अध्यक्ष तथा जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अध्यक्षता में इस वर्ष के अंतिम लोक अदालत का आयोजन शनिवार को किया गया। भागलपुर व्यवहार न्यायालय में 17 बेंच जबकि नौगछिया व्यवहार न्यायालय में 6 और कहलगांव में 2 बेंच पर दोनों पक्षों की आपसी सहमति से वादों का निपटारा न्यायिक पदाधिकारी की मौजूदगी में किया गया। भागलपुर न्यायालय के इतिहास में पहली बार पटना हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस विनोद चंद्रा और बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकार के सचिव चक्रधारी शरण सिंह भी इस बार राष्ट्रीय लोक अदालत में शामिल हुए। राष्ट्रीय लोक अदालत का विधिवत उद्घाटन जिला एवं सत्र न्यायाधीश राजेश नारायण, एडीजे 1 अरविंद कुमार शर्मा, डीडीसी कुमार अनुराग, सिटी एसपी अमित रंजन एवं अन्य अतिथियों ने संयुक्त रूप से दीप जलाकर किया। इस दौरान उद्घाटन कार्यक्रम में न्यायिक पदाधिकारी, अधिवक्ता और जिला विधिक सेवा प्राधिकार के दर्जनों कर्मी मौजूद रहे। नालसा के सचिव ने बताया कि जिनके सलाह योग्य केस हैं उनका केस लोक अदालत निःशुल्क दर्ज कराती है और उस केस का सुलह करती है। साथ ही उन्होंने बताया कि लोक अदालत के लिए बैंकों और कोर्ट के माध्यम से 6000 से ज़्यादा नोटिस जारी किए गए। वहीं इस बार अन्य राष्ट्रीय लोक अदालत की अपेक्षा ज़्यादा से ज़्यादा केस का निपटारा किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि लोग अब ज़्यादा जागरूक हो रहे हैं और अपने केस का निपटारा करते दिख रहे हैं। आज की लोक अदालत में सारे क्रिमिनल कंपाउंडेबल केसेज, राजस्व के मामले, बिजली से संबंधित विवाद, टेलीफोन से संबंधित विवाद और अन्य भी लेबर केसेज और भी सारे सुलहनीय मामलों का हम लोग निस्तारण करेंगे। हम लोगों ने यहाँ हेडक्वार्टर में कुल 17 बेंच हम लोगों की गठित हुई है। 6 बेंच नौगछिया में और 2 बेंच कहलगांव में। कहलगांव में आपराधिक मामलों का निस्तारण नहीं होगा क्योंकि वहाँ आपराधिक न्यायालय नहीं है और बाकी नौगछिया और यहाँ पर होगा। हमारे सभी जिला विधिक सेवा प्राधिकार के लोग, आप लोग, मीडिया के लोग, सब लोग इसके कार्यक्रम में सक्रिय रूप से सहयोगी रहे हैं और लगातार आप लोग इसमें कार्य कर रहे हैं। इसके लिए मैं आप लोगों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। आज ऑनरेबल चीफ जस्टिस कम पैटर्न इन चीफ बिहार स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी और ऑनरेबल एग्जीक्यूटिव चेयरमैन कम JD1 पटना हाईकोर्ट, ये दोनों हमारे संरक्षक यहाँ उपस्थित होंगे और लोक अदालत को देखेंगे, इसमें शामिल होंगे। ये इस जिला विधिक सेवा प्राधिकार के लिए और यहाँ के सभी लोगों के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण अवसर होगा। कहने को तो बिहार में सुशासन राज है लेकिन आए दिन यहाँ अपराधियों के द्वारा सरेआम लोगों की गोली मारकर हत्या कर दी जाती है। इसमें ज़्यादातर मामले जमीन विवाद के सामने आ रहे हैं। ताज़ा मामला भागलपुर के सबौर थाना क्षेत्र का है जहाँ देर रात बदमाशों ने जमीन विवाद के कारण एक किसान की गोली मारकर हत्या कर दी। मृतक की पहचान 65 वर्षीय प्रसादी रविदास के रूप में हुई है। वहीं मामले को लेकर मृतक के पुत्र ने बताया कि पुस्तैनी 3.5 कट्ठा जमीन को लेकर पास के ही सहदेव रविदास से विगत कई वर्षों से विवाद चल रहा था। उन्होंने कहा कि सहदेव एक दबंग प्रवृत्ति का है और वह कई तरह के गैरकानूनी कार्यों में लिप्त है। उन्होंने बताया कि कुल जमीन का हिस्सा 6 कट्ठे का है जिनमें उनके पिताजी का कानूनन तौर पर 3.5 कट्ठा हिस्सा है लेकिन दबंगों ने जमीन देने से मना कर दिया। उन्होंने कई बार प्रसादी रविदास को जान से मारने की धमकी भी थी। इस कारण वे लोग काफी डरे और सहमे हुए थे। हालांकि उन्होंने मामले की जानकारी स्थानीय पुलिस को दिया था लेकिन मृतक के पुत्र अवधेश ने बताया कि पुलिस मामले में सुनवाई करने के बजाय मामले की लीपापोती करने में जुटी रही जबकि उन लोगों के द्वारा मामले की गुहार लेकर प्रखंड विकास पदाधिकारी और अंचलाधिकारी के समक्ष भी गए लेकिन वहां भी कोई सुनवाई नहीं हुई और देर रात जब प्रसादी रविदास अपने घर के पास बैठे थे
तभी बदमाशों ने उनके कनपटी में बंदूक सटाकर गोली मार दी, जिससे उसकी मौत मौके पर ही हो गई। पिता की मौत के बाद पांचों भाई काफी सदमे में है। उन्होंने स्थानीय प्रशासन से मामले में उचित कार्रवाई करने की मांग करते हुए दोषियों को सख्त सजा दिलाने की मांग की है। फिलहाल पुलिस ने पीड़ित पक्ष के बयान पर केस दर्ज कर आगे की कार्रवाई में जुट गई है। उसी में मेरे पिताजी को मार दिया रात्रि में गोली से, हत्या कर दी गई। जमीन का विवाद किससे था? बगल वाला पड़ोसी से, सहदेव रविदास से। वो दबंग किस्म का आदमी था, गुंडा भी रखता था, हमेशा बात बात पे धमकी देते रहता था और शराब का भी तस्करी करता था। वो वहाँ रखता था बसा में और वो हमेशा चौपाल में गुंडागर्दी भी करता था वो, इसीलिए मेरे पिताजी को वो मार दिया रात्रि में। आज जबकि जमीन का, वही जमीन का आज तारीख भी था, इसीलिए मेरे पिताजी को आज रात्रि में ही उसने मारने का प्लान बनाया और मार भी दिया उन्होंने। डिप्रेशन का शिकार आज के समय में छोटे बच्चे भी हो रहे हैं। इसके बाद वह कोई आत्मघाती कदम उठा लेते हैं। इससे बचाने के लिए भागलपुर के एक स्कूल में एंगर जोन बनाया गया है। इसमें डिप्रेस्ड हुए बच्चों का समुचित इलाज होगा। शहर के डीएवी स्कूल में एंगर जोन का गठन किया गया है। प्राचार्य रमेश चंद्र शर्मा ने बताया कि एंगर जोन में वैसे बच्चों को बुलाया जाता है जो लड़ाई करते हैं या डिप्रेस्ड हो जाते हैं। प्राचार्य रमेश चंद्र शर्मा ने बताया कि कई बार बच्चे एक दूसरे को चिढ़ा देते हैं, जिससे आपसी विवाद हो जाता है। पढ़ाई का प्रेशर हो या किसी अन्य चीज़ों को लेकर भी बच्चे डिप्रेस्ड हो जाते हैं। इन सभी चीज़ों से बचाव को लेकर हम लोगों ने एंगर जोन बनाया है। एंगर जोन में वैसे बच्चे को बुलाया जाता है जो लड़ाई करते हैं या डिप्रेशन में रहते हैं। वहाँ पर सारी सुविधाएं होती है। अलग से शिक्षक को बुलाकर उनसे सही बर्ताव से बातचीत की जाती है, जिससे रीजन का सही पता चल सके। आखिर क्या हुआ, क्यों बच्चे डिप्रेस्ड हुए, इन सब का पता लगाने के बाद उसे समझाकर और उसे उस छंद से निकाला जाता है, जिससे बच्चों में पहली वाली ऊर्जा आ जाती है। प्राचार्य की माने तो बच्चों को कभी भी किसी चीज के लिए फोर्स नहीं करना चाहिए, जिससे आपके बच्चों पर खतरा हो। हाल ही में कोटा में कई आत्महत्याएं जैसे केस सामने आए हैं। जब इसको लेकर बात की गई तो उन्होंने बताया कि बच्चों को इंजीनियर या डॉक्टर बनने की इच्छा नहीं होती है, लेकिन माता पिता की इच्छा के वजह से वह उस विषय को चूज कर लेते हैं। बाद में कई बार जब उस विषय में क्रॉस लगता है तो वह डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं। माता पिता को भी यह समझना होगा कि हमारे बच्चे किस लायक हैं, तभी जाकर बच्चों का भविष्य तय हो पाएगा। उन्होंने उदाहरण देते हुए बताया कि जिस तरीके से मशीन में कैपेसिटी होती है वह उतना ही लोड ले पाती है, अगर उससे अधिक हम उस पर भार देते हैं तो वह खराब हो जाता है या ब्लास्ट कर जाता है। इस तरीके से हमारा बॉडी भी काम करता है। अगर आप हद से ज़्यादा उस पर प्रेशर देंगे तो फिर आपको हानि ही होगी। लेकिन इन सब का बचाव एंगर जोन है। बच्चों को तुरंत वहाँ लाया जाता है और उनसे सारी बात की जाती है और उन्हें समझाया जाता है। ने दो चार पाँच साल पहले एंगर जोन बनाने के लिए सीबीएसई ने दिया चिट्ठी हम लोगों को, लेकिन हम लोग पहले से ही, आपको पता होना चाहिए, हमारे यहाँ प्रति सप्ताह हवन वगैरह होता है। हम लोग गायत्री मंत्र से प्रार्थना वगैरह करते हैं, बच्चों को वेद मंत्र के द्वारा हम लोग ये करते हैं। और ये वेद मंत्र और ये गायत्री मंत्र जो है ये अचूक औषधि है। वो बच्चे यदि करते हैं, ये बाहर विदेश के लोगों ने भी इसको माना है, बच्चे यदि सुबह सुबह वेद मंत्र इत्यादि का ये करते हैं तो ये सब तरह का जो डिप्रेशन या कोई भी कुछ मन में आत्महीनता का भावना, ये सब की कमी होती है। और जहाँ तक बात है सीबीएसई ने जो हमें माने चिट्ठी दिया, तो उसके बाद से ही हम लोगों ने स्कूल में दो जगहों पर, ऐसे हम लोग का कहना है जो कि स्कूल में सभी प्लेस पर कहीं भी एंगर युक्त वातावरण नहीं हो, उसका हम लोग मना करते हैं। भागलपुर सुल्तानगंज के मस्दी पंचायत स्थित प्राथमिक विद्यालय मस्दी में खाना बनाने के दौरान अचानक कुकर फटने से रसोईया सरिता देवी गंभीर रूप से घायल हो गई, जिसके बाद घायल रसोईया को आनन-फानन में स्कूल के शिक्षक के द्वारा इलाज के लिए निजी क्लिनिक ले जाया गया, जहां डॉक्टर ने प्राथमिक उपचार के बाद रसोईया सरिता देवी को घर भेज दिया। ग्रामीणों ने बताया कि प्राथमिक विद्यालय मस्दी में सुबह 11 बजे के लगभग खाना बनाने के दौरान अचानक तेज
आवाज के साथ कुकर फट गया, जिसमें खाना बना रही महिला रसोईया घायल हो गई। ग्रामीणों ने स्कूल के प्राचार्य पर बच्चों से झाड़ू लगवाने, कक्षा बाधित रखने और स्वच्छता का ध्यान नहीं रखने का आरोप भी लगाया है। वहीं प्रधानाध्यापक संजय कुमार ने बताया कि ग्रामीणों का आरोप बेबुनियाद है। स्कूल में शिक्षक समय पर नहीं आते, जिसके कारण बच्चों की पढ़ाई बाधित होती है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी का शनिवार को 77वां जन्मदिन भागलपुर विधायक अजीत शर्मा के आवास स्थित कांग्रेस कैंप कार्यालय में केक काटकर धूमधाम से मनाया गया। सोनिया गांधी के जन्मदिन के अवसर पर कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे को केक खिलाकर व मिठाई खिलाकर शुभकामनाएं दी। इस दौरान भागलपुर इकाई के कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी के लंबे जीवन और अच्छे स्वास्थ्य की कामना की। वहीं नगर विधायक अजीत शर्मा ने कहा कि पार्टी के लिए उन्होंने कई ऐसे काम किए हैं जिनको देश के लोग कभी भूल नहीं सकते। इस मौके पर दर्जनों कार्यकर्ता मौजूद थे। गौरव की बात है कि आदरणीय मैडम सोनिया गांधी जी के आज 77वां जन्मदिन दिवस है और हम लोग सभी कांग्रेस जन बहुत उत्साहित हैं कि उनके जन्मदिन को आज अपने हम मना रहे हैं। और मैं बताऊं कि वो जो जन्मदिन सिर्फ मनाते नहीं हैं, उनके बताए हुए रास्ते, उनकी जो कुर्बानियां हैं, जब वो प्रधानमंत्री बन रही थी उन्होंने कुर्बानियां दी देश के हित में और मनमोहन सिंह को बनाया। अगर आप अपने बच्चों की हकलाहट, तुतलाहट या मूक बधिरता को लेकर चिंतित हैं, या बढ़ती उम्र के साथ बहरेपन की समस्या से परेशान, तो चिंता छोड़िए, क्योंकि अब भागलपुर में आ गया है इन सब का समाधान। निराला स्पीच एंड हियरिंग क्लिनिक, ऑडियोलॉजी, स्पीच थेरेपी के साथ साथ विश्व स्तरीय बेस्ट डिजिटल हियरिंग एड विथ रिचार्जेबल एंड ब्लूटूथ फैसिलिटी। तो आज ही सुनने की जाँच कराएं तथा सुनने की मशीन लगवाएं। निराला स्पीच एंड हियरिंग क्लिनिक, हमारा पता है बड़ी पोस्ट ऑफिस के सामने, मेट्रो मिर्ची रेस्टोरेंट तथा सेंट्रल बैंक वाले रोड में, भागलपुर। मोबाइल 7050193341। हमारी दो और भी शाखाएं हैं, पूर्णिया में पंचवटी कॉम्प्लेक्स, बिहार टॉकीज रोड, लाइन बाजार, पूर्णिया, और अररिया में टाउन हॉल के सामने वाले मिर्जा गालिब रोड में AB मेडिकल के समीप। भागलपुर सुल्तानगंज थाना क्षेत्र के दुधैला गांव निवासी सुदीन शर्मा के पुत्र मुकेश शर्मा की हत्या का मामला सामने आया है। मुकेश का शव ससुराल से निकालकर परिजनों ने सुल्तानगंज पुलिस को सौंपा है। इसके बाद सुल्तानगंज थाना पुलिस हरकत में आई और सबको अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। मृतक के पिता सुदीन शर्मा ने पुलिस को लिखित आवेदन देकर बताया कि पुत्र मुकेश शर्मा का विवाह 15 वर्ष पहले नवगछिया के रंगरा थाना क्षेत्र के कालूचक निवासी मंटू शर्मा की पुत्री लक्ष्मी कुमारी के साथ हुआ था। शादी के बाद मुकेश को 2 पुत्र भी हुआ। मृतक के घर वालों ने आरोप लगाया कि शादी के कुछ दिन बाद मुकेश के ससुराल वालों ने जमीन जायदाद का बंटवारा कर पत्नी और सास के नाम पर करने का दबाव देने लगे। जमीन जायदाद का बंटवारा नहीं किए जाने पर भला फुसला कर मुकेश को ससुराल वालों ने अज्ञात जगह लेकर चला गया। ससुराल वालों ने अपने कब्जे में मुकेश को काफी दिन तक रखकर ताड़ित किया और मारपीट भी की। इसके बाद मुकेश गंभीर रूप से बीमार पड़ गया। बताया गया कि मुकेश जब काफी बीमार पड़ गया तो ससुराल वालों ने मुकेश को पुराना घर खगड़िया जिला के परवत्ता थाना अंतर्गत बिटला गांव में गंभीर अवस्था में छोड़कर फरार हो गया। जिसके बाद ग्रामीणों ने मुकेश के परिजनों को घटना की जानकारी दी कि मुकेश गंभीर अवस्था में गांव में पड़ा हुआ है। इसके बाद परिजन वहां पहुंचे और मुकेश को इलाज के लिए बेगूसराय लेकर चले गए, जहां इलाज के दौरान मुकेश की मौत हो गई। वहीं सुल्तानगंज थाना पुलिस ने बताया कि मृतक का शव परिजनों ने लाकर सौंपा है, इसकी गंभीरता से छानबीन की जाएगी। फिलहाल मामले को लेकर जाँच की जा रही है। हमारे बच्चे को 2 महीना से कहाँ रखा और कहाँ किया इस चीज़ का मालूम नहीं हुआ। कौन? पत्नी, उनकी हमारी बहू। क्या नाम है? लीला लक्ष्मी देवी। और जब वो घटना पूरा जब हो चुका, क्या घटना हुआ है? घटना ये हुआ कि उसका बीमारी के चलते से कहीं कहीं कहाँ कहाँ छुपा के रखा, इसका कोई निश्चित नहीं हुआ। जब मालूम ऐसा हुआ कि वो पत्नी ने हमारे बच्चे को
पुराने घर बिछला में जा कर के वो छोड़ दिया, लाइट के दौरान छोड़ दिया। छोड़ने के बाद गाँव के लोग से मालूम हुआ कि तुम्हारे बच्चा सीरियस है, तो हम वहाँ से ले जा कर के बेगूसराय हॉस्पिटल में भर्ती किए। वहाँ भर्ती करने के बावजूद वहाँ से लक्ष्मी देवी छोड़ के। भागलपुर सुल्तानगंज थाना में शनिवार को अंचल अधिकारी रवि कुमार एवं थाना अध्यक्ष प्रिय रंजन कुमार के द्वारा जनता दरबार लगाया गया। जनता दरबार में 3 केसों का निष्पादन किया गया और 2 नए केस आने पर अगले शनिवार को केस का निष्पादन करने की बात कही। वहीं जनता दरबार में अबजूगंज के जमींदार जयंत प्रसाद शाह के जमीन पर गाँव के दबंग ध्रुव कुमार ध्रुवा और उदय कुमार शाह एवं उनके पुत्र अमन कुमार अक्षय कुमार के द्वारा खेतियर जमीन पर बाई जबरन खेत जोतते हुए गाली गलौज करने एवं जान से धमकी देने का आवेदन आया है, जिस पर पुलिस अधिकारियों ने कार्रवाई करने का आश्वासन पीड़ित पक्ष को दिया है। भागलपुर के सुल्तानगंज स्थित निजी स्कूल में बाल मेला दिवस का आयोजन किया गया। इस सांस्कृतिक और शिक्षात्मक आयोजन में स्कूल के नर्सरी से कक्षा 1 तक के सभी बच्चों ने उत्साह से भाग लिया। कार्यक्रम का शुभारंभ स्कूल के प्राचार्य डॉक्टर आलोक दीप और प्रवीण श्रीवास्तव ने फीता काट कर किया। कार्यक्रम में बच्चों ने खान पान, स्कूल रेस, डांस और अन्य खेलों में भाग लिया। इसके साथ ही बाल मेला आयोजित किया गया, जिसमें स्कूल के शिक्षकों द्वारा बच्चों को प्रथम, द्वितीय, तृतीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में मंच का संचालन स्कूल के शिक्षक मनोज राज ने किया। इस मौके पर स्कूल के शिक्षक, छात्र और अभिभावक मौजूद थे। भागलपुर स्टेशन परिसर में श्री सांवरिया सेवा ट्रस्ट की ओर से तृतीय श्याम रसोई का आयोजन किया गया। इस मौके पर लगभग 300 लोगों को निशुल्क भोजन ट्रस्ट के द्वारा कराया गया। भोजन में लोगों के बीच पूरी सब्जी और लड्डू की व्यवस्था ट्रस्ट के द्वारा किया गया था। संस्था के अध्यक्ष ने बताया कि निःशुल्क भोजन का आयोजन प्रत्येक महीने की एकादशी को आयोजित किया जाता है। इस अवसर पर संस्था के संरक्षक श्याम सुंदर कोटरीवाल, शिव कुमार गोयंका, अध्यक्ष नंद किशोर कोटरीवाल, महासचिव आकाश गोयंका, संस्थापक राजीव गर्व, अभिषेक लाडिया, रमन भरतिया, प्रदीप शिवानीवाल, विकास गुप्ता, शिवम भारद्वाज समेत कई लोग उपस्थित थे।